एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहते हैं, एमएसपी कुछ नहीं हुआ, कानून किसान हित में है, सांसद विधायकों की भी तनख्वाह काटी जाए, सड़कों को जाम किया जाएगा। मोदी जी ने ये बोला था कि ये कानून किसान हित में है और जब ये कानून समाप्त किए हैं, इनको वापस लिए हैं, तब भी ये बोला कि ये किसान हित में है, तो वो किसान हित में था, ये किसान हित में है, ये दो तरह तो अगलेपन की बात हुई ना हुई। समय बर्बाद हुआ है तो हम यही मांग करते हैं कि उन सांसद विधायकों की भी तनख्वाह काटी जाए जिन्होंने संसद को पास कराने के लिए साइन किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कमलता। आपको बता दें फिलहाल रामलीला मैदान में मौजूद हूँ और मेरे पीछे अब तमाम किसान देख रहे हैं, जो किसान आज है यहाँ पर माँ पंचायत के लिए पहुँचे। लगभग 3 साल पहले भी इससे किसान रामलीला मैदान में पहुँचे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर। आज फिर से 3 साल बाद यहाँ पर रामलीला मैदान में सभी किसान जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ वादे किए थे किसानों से, वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और साथ ही जो किसान हैं काफी चीजों से अभी परेशान देखने को मिल रहे, चाहे वो बिजली हो या पेंशन हो, हर चीज से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कहा जाता है कि किसान जो है हमारे अन्नदाता होते हैं, लेकिन उन्हीं अन्नदाताओं को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज यहाँ पर सभी किसान पहुंचे हुए हैं मांगों को लेकर। महिलाएं भी आप कुछ यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इसलिए आज ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इससे पहले कुछ लगभग 13 महीने पहले जो आंदोलन किया गया था किसान आंदोलन के नाम से जो लोग जानते हैं उसको, उससे भी बड़ा आंदोलन एक बार फिर से हो सकता है या फिर होने भी वाला है। आप सामने देख रहे हैं किसानों की भीड़ किस कदर हो चुकी है यहाँ पर, अलग अलग राज्य से किसान मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। देखना यह है कि कब तक आखिरकार जो किसान है वो सड़कों पर ही उतर दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि हम किसानों के हक में काम कर रहे हैं, किसानों के हक में निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं निर्णय जो है वो फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए किसान हमेशा सड़कों पर देखने को मिलता है। इसीलिए आज एक बार फिर से रामलीला मैदान में किस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किसान सभी जो है यहाँ पर आज महापंचायत के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि कहां से पहुंचे हुए हैं, यार क्या क्या मांगे लेकर यहां पर पहुंचे। देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी दिनों से परेशान है किसान। कुछ किसान जो है अभी आपको यहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो झूठे वादे करती है, कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? सिसोली से। ये कहाँ पर? नगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर। कौन सी मांगों को लेकर पहुंचे हैं आप? यही है, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे गन्ना बेल्ट है और गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही। वहाँ पे बजाज ग्रुप है, उसने तो पिछले साल का अभी कराया 10 दिन पहले और अब के साल का तो आया ही नहीं। एमएसपी का वादा किया था, पूरा हो गया? नहीं, एमएसपी कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं जी। क्या लग रहा है सरकार जो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं मांगों के लेकर अपनी महापंचायत के लिए, इसके बाद भी सरकार मानेगी आपकी मांगों को? देखो, विश्वास है कि सरकार मान जा, नहीं मानना की तो हमारा संघर्ष जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। हाँ जी, देखिए ये किसान वही हैं जो कि हमें अन्न देते हैं और यही अन्नदाता आज सड़कों पर दिखाई दे रहे। कहाँ से आए हैं आप? आदमपुर से, हरियाणा। हरियाणा से आए हैं, क्या समस्या आ रही है किसानों को? समस्या जी, एमएसपी में गारंटी चाहिए। हाँ। और जो बिजली बिल है वो कानून वापिस ले, और जो सरकारी खरीद है वो चालू करे, जैसे सरसंगी है लेट कर रखी है, और तुलाई तुलई में भी जैसे हाथ भी छोड़ना चाहिए इस गवर्नमेंट को। लेकिन सरकार जो है वो कहती है कि किसानों के लड़ाई हक में लड़ाई लड़ते आए हैं हम लोग, किसानों के हक में जो निर्णय लिए हैं, सभी बिलों जो एमएसपी बिल का जो वादा किया था उसको भी पूरे करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। और इस पर अगर बात कही जाए तो मोदी सरकार की भाजपा ये कहती है कि जो किसान है उनको जो एमएसपी बिल के जो काले कानून थे वो समझ नहीं आए थे पिछली बार जब किसान आंदोलन किया गया था। क्या इस बार भी जो किसान है वो कहीं ना कहीं उनको इसी तरीके से देखा जाएगा, तो धोखे में रख दिया जाएगा, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा? मुझे तो लगता नहीं ये मांगों को पूरी करेंगे, क्योंकि इनके नीति में खोट है। और जब ने तो बहुत टाइम हो गया कर देते हैं, इनको करना तो इन्हें एक दिन का काम है, जब ये रात में कानून पास कर देते हैं तो एक ही घंटा का काम है। तो जब कानून पास कर दे
क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं, कितने किसान हैं, परेशान है ये सब, ये परेशानी है और तो कुछ नहीं है। पेंशन मिल रही है आप लोग? पेंशन जी कट, ये जो फैमिली आईडी बनवाई है ना, इसमें सबकी काट दी है, किसकी पेंशन काट दी है, राशन काट दिए है, तो बहुत खामियाँ है। ये फैमिली आईडी तो इतना सिर दर्द है, जमींदार सबके लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए, नरेगा का जो ये है, बीपीएल का कार्ड है, ये सब कट गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसान परेशान हो चुका है, परेशान, जो किसानों को जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। नहीं, हर वर्ग परेशान है, किसान, मजदूर, नरेगा के सब मजदूर परेशान है। तो अभी 2024 में चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कि जो सत्ता है वो बदलेगी? नहीं, बिल्कुल बदलेगी सत्ता, इसमें क्या है, जो सत्ता जो नशा में हो जाए उसको एक बार हटाना जरूरी होता है। इस सरकार से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, इससे खुश नहीं है। देखिए, लोगों का कहना है कि इस सरकार से वो लोग नाखुश है, कहना कहीं 2024 में चुनाव होने वाले उसमें सत्ता बदलने की बात कही। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए जी। क्या लेकर आए हैं मांगे को, कौन सी मांगे लेकर? हम किसान जो लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर, अभी 13 महीना हमारा प्रदर्शन चला गाजीपुर संदूर टिकरी बॉर्डर पर, वहाँ पर सरकार ने कहा था मैं किसानों की तमाम मांगों को मान लूंगा, और सरकार ने किसानों की एक भी मांग को नहीं माना। सरकार ने कहा था कि मैं तीनों काले कानून वापस लेंगे, तो ले तो लिए थे, कोई वापस नहीं लिया। मोदी सरकार ने आज तक कोई भी काला कानून लिखित में नहीं दिया, विधेयक में पास नहीं किया। अच्छा। इसलिए हम तमाम किसान दोबारा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और अगर सरकार ने मेरी मांगे नहीं मानी तो हमारा प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है जो पहले? इससे काफी बड़ा आंदोलन होगा। जैसे पहले सिंधु टिकरी गाजी बॉर्डर पर सड़क रोड की जाम की गई थी, ऐसे ही तमाम सड़कों को जाम किया जाएगा। और मोदी सरकार को, जहां हमारे 750 किसान शहीद हुए थे, वो मोदी सरकार को हम बताएंगे कि हमारे किसान कैसे मरे थे और उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया आपने। अच्छा, जो किसानों की मृत्यु हुई थी उसमें मुआवजा वगैरह की जो बातें कही गई थी वो मिला? अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, किसी भी सरकार को कोई मुआवजा नहीं मिला और न ही शहीद का दर्जा दिया गया। हम किसानों की मांग है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए और मारे हुए हमारे शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, इन लोगों की कुछ मांगे हैं जो कि आज ये लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकर कुछ किसान हैं जो कि काफी परेशान हो चुके हैं, उनसे बातचीत करके देख लेंगे। क्योंकि सभी किसानों का ये कहना है कि जो इससे पहले आंदोलन किया गया था उसमें काफी किसान जो है वो शहीद हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए या फिर उनको मुआवजे की बात कही जाए, बात कर लेते। कहाँ से आए हैं? जींद से, हरियाणा से। जींद से आए हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं? हम यहाँ मैं गारंटी कानून चाहते हैं। अच्छा। और जो पब्लिक सेक्टर के जो चीज उपकरण है उनको बेचा नहीं जाए, ये चाहते हैं। अच्छा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम आगे आंदोलन करेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे, बोर्डरों पे बैठेंगे। हाँ। अभी कितने राज्यों के लोग यहाँ पर, किसान यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ मुख्यतः तो 4 राज्यों के हैं, मुख्यतः है। हाँ। लेकिन ये तो कहा गया था कि 11 राज्यों से यहाँ पर आएंगे सब, 11 से भी ज्यादा राज्यों के वैसे तो, लेकिन मुख्य तौर पे जो ज्यादा जो नजदीक से हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, मुख्य तो ये है। लेकिन लीडरशिप हर राज्य से आई हुई है, सभी राज्यों से आई हुई है। इनकी कुछ मांगे हैं, ये कहा जा रहा है कि हर राज्य से लगभग यहाँ पर सभी किसान जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मांगों को लेकर। भीड़ देख सकते हैं आप किसानों की, कितनी भारी संख्या में आज यहाँ पर रामलीला मैदान में पहुंची हुई है। अब देखना ये है कि इन किसानों की जो मांगे हैं वो कहाँ तक जाएंगी और कहाँ तक पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसी तरीके से आपको तमाम खबरों से जोड़ते रहेंगे, देखते रहे टीवी 100 न्यूज। नमस्कार। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।